हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज है 26 सितंबर 2020 और आज हम जानते हैं 26 सितंबर 2020 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आज मेरा लाइव क्लास 7:30 बजे नहीं आ पाया क्योंकि नेट का प्रॉब्लम था जिसके कारण। ठीक है, फिर हम लोग मंडे से सुबह 7:30 बजे लाइव आएंगे और आप अपना कमेंट करके सवाल को पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सुरेश अंगंडी का निधन हो गया, वह किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे? तो सुरेश अंगंडी का निधन हुआ है, वो किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं? तो मंत्री जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिसको हम लोग केंद्रीय मंत्री कहते हैं, और एक होते हैं राज्य मंत्री। इसी के साथ किसी किसी को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, तो हम लोग कहते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। क्या कहते हैं उन्हें? स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कहते हैं। और एक होते हैं उपमंत्री। क्या होते हैं? उपमंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको सहयोग देने के लिए राज्य मंत्री भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, और इनको सहयोग देने के लिए उपमंत्री बनाए जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के मीटिंग में भाग लेते हैं और राज्य मंत्री उसके सहयोग के रूप में काम करते हैं। तो ये राज्य मंत्री थे जिनका नाम था सुरेश अंगंडी, जिनका निधन हो गया। ये रेल राज्य मंत्री थे। ये क्या थे? रेल राज्य मंत्री थे। जबकि रेल मंत्री यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। कौन थे? पीयूष गोयल हैं। जबकि रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। जबकि राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री हैं आपको सुरेश अंगंडी, जिनका निधन हो गया 23 सितंबर को। 23 सितंबर 2020 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक कर्नाटक की बेलगाम, कर्नाटक की बेलगाम से ये चार बार सांसद रह चुके हैं। चार बार सांसद रह चुके हैं। आपको याद होगा यही बेलगाम है जहां कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने किया था। बेलगाम कहाँ किया था? बेलगाम। यही बेलगाम है जो कहाँ है? कर्नाटक में। और यहीं से चार बार सांसद रह चुके हैं सुरेश अंगंडी, जिनको कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। तो इस तरह ये पहले व्यक्ति हैं जिनको कोरोना से मृत्यु होने वाले पहले मंत्री हैं। यानी ये पहले ही मंत्री हैं जिनको कोरोना के कारण क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, जिनका नाम है सुरेश अंगंडी। तो इसको याद रखेंगे। जबकि गृह मंत्री अमित शाह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ट्रांसपोर्ट मंत्री आपको नितिन गडकरी साहब हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि भारत ने कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु से आपको क्या याद आता है? कपिल वस्तु से यही याद आता है कि वही कपिल वस्तु जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कपिल वस्तु में किसका जन्म हुआ था? कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो लुम्बिनी में है। कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने कपिल वस्तु में किस राष्ट्र के साथ सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की गई है? तो ये कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल में। तो नेपाली पुलिस और भारत के SSB सशस्त्र सीमा बल के द्वारा यहाँ पर गश्त बढ़ा दी गई है। ठीक है, क्या बढ़ाई गई है? गश्त बढ़ाई गई है सुरक्षा को देखते हुए। ये है कपिल वस्तु जहाँ पर आज भी यहाँ बनाया गया है, और यही है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध है और इन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध है कपिल वस्तु, और बौद्ध लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। बौद्धों का क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है कहाँ? कपिल वस्तु, लुम्बिनी नेपाल में, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आंसर क्या होगा मेरा? तो नेपाल होगा। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहा है ब्रॉड गेज मार्ग में 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की योजना बनाई गई है। तो हमारे यहाँ तीन तरह का गेज होता है। देखिए, ब्रॉड गेज को हम लोग कहते हैं बड़ी लाइन। इसे क्या कहते हैं? बड़ी लाइन कहते हैं।
एक होता है जिसको हम लोग मीटर गेज कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटर गेज कहते हैं, जिसको छोटी लाइन कहते हैं, और तीसरा होता है नैरो गेज। क्या होता है, नैरो गेज। तो तीनों में अंतर यह है कि बड़ी लाइन कहने का मतलब हुआ इन दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो 1.676 मीटर होता है, जबकि मीटर गेज जिसको छोटी लाइन कहते हैं इनमें दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होता है, जबकि नैरो गेज के बीच 0.610 मीटर होता है। यानी कहने का मतलब वर्तमान में हमारे यहाँ जो भी रेल चलाई जाती है विद्युत से वो किस पर चलती है, ब्रॉड गेज पटरी पर चलती है, जिसे हम लोग बड़ी लाइन कहते हैं, जिसकी दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर है, जबकि मीटर गेज को हम लोग कहते हैं छोटी लाइन। क्या कहते हैं, छोटी लाइन, और छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होता है, और नैरो गेज खासकर चिड़ियाघर में चलाया जाता है, पर्यटन स्थलों पर ये ट्रेन चलाई जाती है, और इन दो पटरियों के बीच होती है दूरी 0.610 मीटर। तो इसको 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है 2023 में, और इसके बारे में जानकारी दिए रेल मंत्री पीयूष गोयल। यानी जब मानसून सत्र चल रहा था उसी समय इन्होंने, पीयूष गोयल ने संसद में ये जवाब दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20, G20 कहने का मतलब ये 20 देशों का समूह है। 20 देश कहने का अर्थ है इसमें 19 गो देश है और एक यूरोपियन संघ है, और इसे मिलाकर बनता है G20। और G20 विकसित एवं विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसका 2020 में सऊदी अरब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग हुआ था, जिसमें व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो पीयूष गोयल किए थे। कौन किए थे, पीयूष गोयल, क्यों, पीयूष गोयल को व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है पीयूष गोयल को, जबकि पीयूष गोयल क्या है, रेल मंत्री भी हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन दो, डी। तो डी में है नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर देख रहे हैं, और इसके साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनको दिया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जबकि नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। और G20 2020 की मीटिंग कहाँ हुई है, तो सऊदी अरब में, तो इसको भी याद रखेंगे, कहाँ हुई है, सऊदी अरब में, और ये विकसित और विकासशील देशों का क्या है, एक संगठन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो इस पुस्तक में NRC और CA के लेकर जो वर्तमान में विवाद चल रहा था उसी पर मुख्य रूप से इस पुस्तक को लिखा गया, उसी को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है रोमिला थापर के द्वारा। रोमिला थापर नेपाल की रहने वाली है, और रोमिला थापर क्या है, एक इतिहासकार है, और इतिहास की कई पुस्तकें आती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक और आदिकाल जैसे पुस्तकों की रचना की है रोमिला थापर। और रोमिला थापर जो है वो नेपाल की रहने वाली है, और ये विवाद में भी कई बार आई है। तो रोमिला थापर की जो पुस्तक है वॉइस ऑफ डिसेंट, ये अक्टूबर 2020 में प्रकाशित होगा, ये पुस्तक कब प्रकाशित होगा, तो अक्टूबर 2020 में होगा, रोमिला थापर की ये पुस्तक है वॉइस ऑफ डिसेंट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इमेज में देख रहे हैं यही है रोमिला थापर, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की गई है, तो सनातन धर्म में जो लोग मर जाते हैं उनकी राह को विसर्जन करने के बाद कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी,
तो कोरोना काल को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत किया गया और इस योजना में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के घर का कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ दो व्यक्तियों को बस टिकट फ्री में दिया जाएगा। वह व्यक्ति उत्तराखंड के हरिद्वार में जाकर ये क्या कर सकता है, इसका राह का विसर्जन कर सकता है, यानी फ्री सेवा दिया गया है। किस सरकार के द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। क्यों दिया गया है? तो कोरोना काल में दिक्कत था आने जाने के लेकर, इसीलिए इस योजना की शुरुआत किया गया, मोक्ष कलश योजना। खासकर हिंदू धर्म से संबंधित है और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। इन्हीं के द्वारा इसको शुरुआत किया गया, जबकि यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और कहाँ जाना है? तो उत्तर प्रदेश के हरिद्वार जाना है, यानी हरिद्वार वही क्षेत्र है जहाँ गंगा पहली बार मैदानी स्थान यानी मैदानी स्थल पर आती है हरिद्वार में। तो इसी हरिद्वार में क्या करना है, राह का विसर्जन करने के लिए खासकर सनातन धर्मावली को लोगों के लिए ये योजना चलाई गई है जिसका नाम है मोक्ष कलश योजना। तो डायरेक्ट पूछेगा मोक्ष कलश योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा, क्योंकि कोरोना के काल में परिवहन का बहुत दिक्कत था आने जाने का, इसीलिए इस योजना की शुरुआत किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही है हरिद्वार जहाँ पर देख रहे हैं राह को विसर्जन करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ये गंगा नदी है जो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है और पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वो है हरिद्वार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी पुलिस सेवा ऐप की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? एगो ऐप्स है, इसके माध्यम से प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया है। सॉरी, आंध्र प्रदेश के सीएम है जगमोहन रेड्डी, जिसके द्वारा क्या किया गया, इस ऐप्स की शुरुआत किया गया है प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु जोखिम रिपोर्ट, यानी कहने का मतलब जलवायु के चेंज होने के बाद यानी मौसम परिवर्तन के बाद बहुत से ऐसे नुकसान होती है और उन नुकसान को रखने डाटा के रूप में रखने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अपने यहाँ जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उसको वार्षिक रिपोर्ट देने के लिए ये पहल की है। और ऐसा पहल करने वाला ये देश पूरे दुनिया में पहला देश बनेगा वो न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। कहाँ है? वेलिंगटन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जोशीडा, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जोशीडा अर्डन। क्या है? जोशीडा अर्डन है। और इनकी शुरुआत किया गया न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ओशनाई देश में है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास एक छोटा सा देश है, तो इसको भी याद रखेंगे। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। ये ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लास्टिक पार्क योजना, ये प्लास्टिक पार्क योजना, प्लास्टिक से क्या बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा और इस देश के 10 स्थानों पर बनाया जाएगा, यानी कितना लिखा हुआ है, 10 प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित की जाएगी और किस मंत्रालय के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी दिया गया है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर सदानंद गौंड। क्या नाम है? सदानंद गौंड है। और इन्हीं के द्वारा इसे मंजूरी दी गई संसद में। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, पीयूष गोयल को दिया गया। जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना 23 सितंबर 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1974 ईस्वी में हुआ था। वो अपना कौन सा वर्षगांठ 23 सितंबर 2020 को मनाया था? तो आप काउंटिंग करके बता सकते हैं 23 सितंबर 1974 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 46वीं वर्षगांठ मनाया कौन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी प्रदूषण किस शहर में कितना है इसकी जांच करता है और उसका क्या करता है, ये डाटा बनाता है।
तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 23 सितंबर 1974 से हुआ। तो मेरा करेंट अफेयर्स का जो क्लास है वो मंडे टू सैटरडे यानी मंडे से आपको सैटरडे के बीच आता है सुबह 7:30 बजे। कभी नेट का प्रॉब्लम या कोई ऐसा दिक्कत आ जाती है जिसके कारण ये वीडियो नहीं आ पाते हैं लाइव, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।